नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना से मरने वाले कर्मचारी के परिजनों में से एक को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोविड से मरने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार नई योजना लागू करने जा रही है। इसके तहत कोरोना से मरने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों में से किसी एक को समान पद पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर एक मुश्त दिए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और विशेष अनुग्रह योजना लाने जा रही है। ये घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को की। योजना का लाभ सभी नियमित स्थायी कर्मचारी, कार्यभारित व आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा कलेक्टर दर पर कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। इसी तरह कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ये राशि उनके परिवार का संबल बनेगी। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, कोटवार भी योजना में शामिल होंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में कई हफ्ते बाद राहत, 5,000 से कम नए मामले दर्ज, पॉजिटिविटी रेट में भी गिरावट। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब राजधानी दिल्ली से राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,000 से कम केस सामने आए हैं, वहीं पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अभी भी मौतों का आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है। दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद से सबसे कम कोरोना केस मिले हैं। 5 अप्रैल को 3,548 नए मामले सामने आए थे। ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में नवनीत कालरा को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि नवनीत कालरा को दिल्ली पुलिस ने सोमवार दोपहर करीब 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने पेश किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को गुरुग्राम के एक फार्म हाउस से कालरा को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की तरफ से वकील ने कहा कि कालरा पर संगीन आरोप है। पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दी। वकील ने कहा कि नवनीत कालरा ने जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जर्मनी के बताकर बेचे थे वो गलत था। ये कंसंट्रेटर चीन निर्मित थे और बढ़िया तरीके से काम भी नहीं कर रहे थे। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन दिनों में इस कालाबाजारी गिरोह का पर्दाफाश करना। आपको बता दें कि नवनीत कालरा दिल्ली के खान मार्केट में स्थित मशहूर रेस्टोरेंट खान चाचा का मालिक है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का खतरा, 2,000 इंजेक्शन मंगवाए गए। बता दें कि कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस का कोहराम भी शुरू हो गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश को आज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उपयोगी एंटीवायरल इंजेक्शन मिल गए हैं। शिवराज सरकार की कोशिशों के बाद सन फार्मा से 2,000 इंजेक्शन प्रदेश को मिले हैं। इन इंजेक्शन को लेकर सरकार का स्टेट प्लेन गुजरात से ग्वालियर पहुंचा है, जबकि ग्वालियर में 300 इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बड़ा दावा, बोली, रोज पीती हूँ गौमूत्र, इसलिए मुझे नहीं हुआ कोरोना। बता दें कि अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना के जानलेवा संक्रमण से जूझ रहा है, तो वहीं प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि रोजाना गौमूत्र का अर्क लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। प्रज्ञा ठाकुर ने ये बात भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। मैं खुद भी गौमूत्र अर्क लेती हूँ और इसलिए मुझे अभी तक कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ी और न ही मुझे कोरोना हुआ। बैंक से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि 23 मई को 14 घंटे के लिए बंद रहेगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की NFT सर्विस, RBI ने दी जानकारी। बता दें कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने विकराल रूप से देश को अपने कब्जे में कर लिया है। रोजाना 3 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।
सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है ताकि कोरोना वायरस के फैलते इस प्रभाव को कम किया जा सके। घर में रहने के दौरान आप अपने बैंकिंग से जुड़े कामों को ऑनलाइन निपटा रहे होंगे, किसी को पैसे भेजने या मंगवाने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। ऐसे में ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर की सुविधा कुछ घंटों के लिए बाधित होने की जानकारी दी है। 23 मई को आपको ऑनलाइन मनी भेजने में असुविधा हो सकती है, जिसकी जानकारी RBI ने पहले से साझा कर दी है। पंजाब बोर्ड ने जारी किया 8वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम। इस वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं अपने रिजल्ट। बता दें कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 की कक्षा 10वीं और कक्षा 8वीं परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। पंजाब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम की घोषणा 17 मई सोमवार को की गई है। परीक्षा परिणाम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट PSEB.ac.in पर 18 मई तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। वेबसाइट पर परिणाम लिंक सक्रिय होने के बाद परीक्षा में शामिल स्टूडेंट परिणाम चेक कर सकते हैं। फरार ओलंपिक खिलाड़ी सुशील कुमार पर 1,00,000 का इनाम घोषित, गैर जमानती वारंट हुआ जारी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में ओलंपिक खिलाड़ी सुशील कुमार और उसके पीए अजय पर इनाम घोषित किया है। हत्याकांड मामले में फरार ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1,00,000 रुपए इनाम का घोषणा किया है। इसके अलावा सुशील के खास सहयोगी अजय पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले में पुलिस सुशील और उनके सहयोगियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले ही जारी कर चुकी है। यात्रियों की कमी और चक्रवात के चलते 54 ट्रेनें हुई कैंसिल, 4 के फेरे हुए कम। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के चलते ट्रेनों में यात्रियों की कमी दिखाई पड़ रही है। इस बीच चक्रवात तावते के चलते कई राज्यों में रेल सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। इसके मद्देनजर पश्चिम और उत्तर पश्चिम रेलवे ने कुल 54 स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। जिन ट्रेनों को कोविड से जुड़े कारणों के चलते रद्द किया गया है वो 19 मई से अनिश्चितकाल के लिए रोकी गई है, जबकि चक्रवात के चलते रद्द हुई ट्रेनें फिलहाल सोमवार से लेकर 21 मई तक स्थगित रहेंगी। यदि इस दौरान आपने कहीं की यात्रा की तैयारी कर रखी है तो आप कैंसिल की गई ट्रेनों की लिस्ट जरूर देख लें और उसी के मुताबिक अपनी यात्रा को फिर से निर्धारित करें। चर्चित पोस्टर मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी लिखे पोस्टरों पर गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया लिखे पोस्टर लगाए जाने पर गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन की देश में कमी होने के बावजूद विदेशों को भेजने पर पीएम मोदी से सवाल करते हुए पोस्टर लगाना कोई अपराध नहीं है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वो दिल्ली में इस मामले से जुड़ी सभी FIR रद्द करने का आदेश दे और पुलिस को कार्रवाई करने से रोके। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये कह चुका है कि अभिव्यक्ति की आजादी को किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता। ऐसे में अगर कोई सरकार की कोरोना टीकाकरण नीति पर सवाल उठाता है तो उसके एक अपराधी की तरह से सुलूक नहीं किया जा सकता। पोस्टर लगा देने पर दिल्ली पुलिस ने एक ही दिन में 24 FIR की और 25 गिरफ्तारियां की है। इन पर सुप्रीम कोर्ट इस पर दिल्ली पुलिस को तलब करे और दर्ज FIR रद्द की जाए। करने पर बोले अमिताभ, मुझे आती है शर्म, बताया खुद से दिए हैं कितने करोड़। बता दें कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल, आम लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कई फिल्म स्टार भी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं को जुटाने में मदद कर रहे हैं। कई सेलिब्रिटी कोरोना मरीजों की मदद के लिए फंड भी इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच लगातार सोशल मीडिया पर ये सवाल भी उठा कि फिल्म इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन जैसे बड़े चेहरे इस सब में बहुत सक्रिय नहीं है। इन सबको लेकर अमिताभ बच्चन ने जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मैं दूसरों से पैसा मांगने में शर्म महसूस करता हूं, इसलिए फंड इकट्ठा न करके अपने स्तर पर मदद कर रहा हूं। पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त मिलने का SMS नहीं मिला अभी तक, तो फटाफट करें ये काम। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई सबसे अहम योजनाओं में से एक है, जो किसानों को डायरेक्ट पैसा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना से किसानों के बैंक खाते में सरकार हर साल 2,000 रुपए की 3 किस्तें भेजती है। इस योजना की 8वीं किस्त बीते शुक्रवार को, जो कि अप्रैल जुलाई में भेजी जाती है, किसानों को दे दी गई।
पीएम किसान योजना की आठवीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों को पीएम मोदी ने 14 मई को पैसा भेज दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 9.5 करोड़ किसानों के खाते में आठवीं किस्त भेजी गई। ये पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए भेजा गया। यदि आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिलने का एसएमएस नहीं मिला तो चिंता ना करें, आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर स्टेटस चेक करने पर कोई सटीक जानकारी ना मिले तो आप हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। यहां हम आपको पीएम किसान योजना से जुड़े कई जरूरी नंबर दे रहे हैं। आप पीएम किसान टोल फ्री नंबर 1800115526 पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 1555261 पर कॉल कर सकते हैं। सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने का दाम 46,964 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, वहीं चांदी की कीमत 70,191 रुपए प्रति किलोग्राम पर मिल रहा है। जान लेते आज के मौसम समाचार को। बता दें कि चक्रवाती तूफान ट्राक्टे के कारण जहां तटीय इलाकों में भारी बारिश व तेज हवाएं चल रही हैं, वहीं इसका असर अन्य राज्यों में दिखाई दे रहा है। एक इस तूफान को लेकर राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं, साथ ही उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम के मध्य भागों में देखा जा सकता है। इन सब का असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। ट्राक्टे के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश रिकॉर्ड गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई इलाकों पर बारिश होगी। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।